13 दिसंबर 2001 यह वो दिन था जब संसद पर हमला हुआ था और आज संसद पर हमले की 19वीं वर्षी है। दरअसल 13 दिसंबर 2001 को आतंकियों ने देश की संसद पर हमला किया था, जिनमें 5 बंदूकधारियों ने संसद परिसर पर हमला करके वहां अंधाधुंध गोलियां बरसाई थी। और आज इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन लोगों की वीरता और बलिदान को याद किया है जिन्होंने संसद की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवाई थी। शहीदों को याद करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि देश उन शहीदों को याद करता है जिन्होंने 2001 में आज के दिन संसद की रक्षा करते हुए अपने जान की बाजी लगा दी थी। हमारे लोकतंत्र के मंदिर में उन रक्षकों के महान बलिदान को याद करते हुए हम आतंकी ताकतों को हराने के अपने संकल्प को मजबूत करते हैं। वहीं इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि हम 2001 में आज के दिन अपनी संसद पर हुए कायरतापूर्ण हमले को कभी नहीं भूलेंगे। हम उन लोगों की वीरता और बलिदान को याद करते हैं जिन्होंने हमारी संसद की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवा दी। भारत हमेशा उसका शुक्रगुजार रहेगा। आपको बता दें कि इस हमले के दौरान दिल्ली पुलिस के 5 जवान, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक महिला कर्मी, संसद परिसर में तैनात एक वॉच एंड वार्ड कर्मचारी और एक माली भी शहीद हो गए थे। वहीं सुरक्षा बलों द्वारा जवाबी कार्रवाई में आतंकी संगठन लश्करे तैयबा के 5 आतंकवादी भी मारे गए थे। तो आज संसद पर हुए हमले की बरसी है और इस अवसर पर देश के तमाम दिग्गज नेताओं ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। ऐसे ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए मोबाइल न्यूज 24। वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ इस तरह की खबरों से भी आप रह सकें अपडेट।